जालौन में हैवानियत, कक्षा 12वीं की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप। हाथरस की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि जालौन में एक नाबालिग लड़की हुई गैंगरेप का शिकार। बता दें कि मामला जनपद जालौन के मुख्यालय उड़ई कोतवाली क्षेत्र का है, जहां देर रात एक व्यक्ति बीमार पत्नी को अस्पताल दिखाने गया था। कुछ देर बाद उसकी नाबालिग लड़की कक्षा 12वीं के छात्र भी बीमार माँ को देखने जिला अस्पताल जा रही थी कि रास्ते में दो जवानों ने लड़की को जबरन डरा धमकाकर अपहरण कर लिया और एकांत में ले जाकर हवस का शिकार बनाते हुए गैंगरेप की घटना को अंजाम दे डाला। लड़की के पिता को इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। नव भारत समाचार जालौन यूपी से विक्की प्रजापति। पुलिस क्या कार्रवाई? देखिए, थाना कोतवाली उड़ई में कल एक शख्स द्वारा तहरीर दी गई है थाने पे कि 14-15 की रात्रि को उसकी पत्नी बीमार थी, वो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया था। उसकी बेटी हॉस्पिटल में उनके पीछे पीछे गई, रास्ते में दो लड़कों ने रोक के उसके साथ में बलात्कार की घटना की। इस पर FIR दर्ज कर लिया गया है, लड़की का मेडिकल करा दिया गया है और जिन अभियुक्तों को लड़की ने बताया है उन अभियुक्तों को, दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। लड़की छात्रा है या कितनी उम्र है? जी, लड़की के गार्जियंस ने, लड़की ने बताया कि वो 12th क्लास में यहीं पर पढ़ती है, वही क्षेत्र। क्या एज होगी सर? लड़की हॉस्पिटल के रास्ते से वापस आ रही थी, अपनी माँ को देखने गई थी लेकिन हॉस्पिटल पहुँच नहीं पाई। बीच में बता दिए कि मैं बीच में लौट आई थी, हॉस्पिटल के रास्ते से वापस आ रही थी तभी रास्ते में से रोक के साइड में वो लड़के ले गए दोनों और इसके साथ में घटना की। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इसमें जो लड़की नाबालिग है, लड़की की एज 18 साल से कम है, पॉक्सो एक्ट लगा है। जुडिशरी से भी मांगने दिला गया, मौके से अनुरोध किया जाएगा कि इसमें जल्दी से जल्दी कठोर सजा।